देश में कोरोना वायरस जैसी महामारी के मद्देनजर सारे धार्मिक कार्यक्रम धरे के धरे रह गए हैं। इसी बीच अब मुस्लिम समुदाय के लिए इबादत करने की खास रात अर्थात शबे बारात की रात 9 अप्रैल को है, किंतु शहर में और देश में आई विपदा को देखते हुए नागपुर पुलिस के माध्यम से मौलवियों ने और विचारकों ने अपील की है कि शबे बारात के मौके पर कब्रिस्तान और मस्जिदों में ना जाए, इससे बचे और घर पर ही इबादत करे। इस दौरान पुलिस द्वारा पूरे परिसर में मार्च भी निकाला गया। नागपुर के मोमिनपुरा स्थित मुस्लिम कब्रिस्तान में तहसील पुलिस और मौलवियों की बैठक में कहा गया कि शबे बारात इबादत की रात है, इस दिन कब्रिस्तान जाना जरूरी नहीं होता है, इसलिए सभी अपने घरों में रह कर इबादत करें। उनको निजात मिले, ये बीमारी का सबसे बड़ा इलाज ये है कि अपने घरों में बंद रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, शब बारात आने वाली है, जुमरात के दिन गुजार कर जो रात आएगी वो इस्लामी नुक्ते नज़र से बहुत ही मुबारक और फजीलत वाली रात है। हमें इस रात में इनफरादी तौर पर इबादत का एहतमाम करना है और अपने अपने घरों के अंदर ही रहना है, न मसाजिद की तरफ रुख करना है, न कब्रिस्तान की तरफ जाना है और न कोई मजमा इकट्ठा करना, ना कोई भीड़ इकट्ठी करनी है, चाहे वो गलियों के अंदर हो, चाहे वो रास्तों के अंदर हो, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला हमें जैसी तौफीक दे उसके मुताबिक अपने अपने घरों में रहते हुए कुरान पाक की तिलावत, ज़िक्र व अज़कार में और दुआ में और अल्लाह के सामने हाजिर होकर अपने गुनाहों पर नदामत और शर्मिंदगी का इजहार करते हुए माफ़ी मांगना है और वक्त इसी तरीके से पूरी रात को गुजारना है। अल्लाह ताला हम सब को दोनों जहां की कामयाबियों से माला माल फरमाए और सारी दुनिया को अल्लाह तबारक व ताला हर तरह की बीमारियों से और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो मोहलिक बीमारी वबा आई हुई है, हम सब को उससे जल्द से जल्द नजात अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने का यही एक तरीका है, हम अपने अपने घरों में रहकर लॉकडाउन और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। जो खरीदारी कर रहे हैं उसे भी गुजारिश है, जो इधर उधर बैठे हैं और माहौल बना के बचे, दूर दूर रहने की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा अपने घर में रहे और अपने बच्चों की भी हिफाजत करें, खुद भी अपने आप की हिफाजत करें। कोरोना वायरस ने देश और दुनिया में कोहराम मचा रखा है, जिस वजह से संपूर्ण देश लॉकडाउन किया गया। इस महामारी के मद्देनजर सारे धार्मिक कार्यक्रम भी रद्द किए गए हैं। मुस्लिम समुदाय के लिए शबे बारात सजदे करने की खास रात होती है, लेकिन इस रात अपने बुजुर्गों की कब्र पर जाते हैं। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते पुलिस और मौलवियों ने इस बार घर से ही इबादत करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बाहर न निकलने की अपील की है। सर, बड़ा निर्णय लिया गया है, किस तरह के अमलों बजाने की जा रही है इस निर्णय को लेकर? आपको याद है कि कल शबे बारात, ये हमारा जो धार्मिक त्यौहार है, मुस्लिम बांधव बड़े उत्साह से मनाते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं, हत्या पतन का काम कब्रिस्तान में होता है, मगर इस साल जो मौजूदा परिस्थिति है कोरोना वायरस से जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है और अपन ने जो धारा 144 लगी है, तो एक हफ्ता पहले अपन ने यहाँ मीटिंग लिए थे, मीटिंग में तय हुआ था कि 9 अप्रैल को शबे बारात के दिन कब्रिस्तान बंद रहेगा और सब हमारे मुस्लिम बंधु घर में फातिहा पठन का काम करेंगे, घर में ही अपने पूर्वजों को दुआ अदा करेंगे। इस मुताबिक आज फिर से यहाँ मीटिंग हुई है और हमारे साथ अभी कब्रिस्तान कमेटी के अध्यक्ष हाजी अंसारी साहब है, जामिया अरबे के मुफ्ती कादिर साहब है, जामा मस्जिद के मौलाना कारी साहब है, हफूज मसूद साहब है, ये सब लोग हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं और यहाँ से सभी मुस्लिम बंधुओं को हम अपील करेंगे, ऐलान करेंगे कि शबे बारात के दिन कोई बाहर नहीं निकलेगा, अपने घर ही हथिया पटन का काम करेंगे। और आपके माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि ये कब्रिस्तान बहुत पुरानी है, यहाँ 200 साल पुरानी मस्जिद है, तो नागपुर का कोई भी व्यक्ति, कोई भी मुस्लिम बंधु इधर आना नहीं चाहिए, घर में ही अपना फटे पटन का काम करेंगे। सर, एक बड़ा निर्णय माना जा रहा है इसको लेके, मुस्लिम धर्मगुरु का कितना समर्थन मिला? बहुत पूरा समर्थन मिला, हमारे पूरा मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ है, प्रशासन के साथ है और प्रशासन की हर चीज की इज्जत रखते हैं। हमें बड़ा हर्ष होता है कि जब धर्मगुरु हमको इस प्रकार के सहकार्य करते हैं। धन्यवाद सर।